lazy. Run. No, don't run. So friends, finally bike हमारी वापस दे दी है. Time अभी हो रहा है तकरीबन 5:45 PM. Bike वापस दे चुके हैं. अब बिल्कुल free हैं. और कल हमारा ferry जो है कल सुबह 8:30 बजे का है. आज मतलब evening हमारे पास पूरी free है. So evening में we will go now. Relax करेंगे थोड़ा सा. Yes. उसके बाद वापस आएंगे और local market में ही आएंगे nearby ताकि हम कुछ हल्का सा light food कुछ लेके क्योंकि अभी हमने लंच किया है काफी लेट इवनिंग के लिए काफी लाइट रखेंगे रिलैक्सिंग रखेंगे थोड़ा सा डे और सुबह जल्दी उठना है पैकिंग करनी है अभी चलते पैकिंग करके फिर मोस्ट प्रोबब्ली बाय 7 बाय 7 और 8 बाय 7 वी गोना रीच नो बाय 7 वी विल लीव आवर होटल इन द मॉर्निंग एंड वी विल रीच द पोर्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द फेरी राइड Because this is my first time, so Renu found something interesting for herself. Let's see. Let me show you. In the meantime, Renu is looking for some stuff. I'm gonna show you how does this art streets. What they have done on the streets. Look. So, ऐसे इन्होंने जगह जगह पर बनाए हुए हैं. 7-Eleven is a very popular, there is a grocery store, you can get everything for 24/7. So it is a very nice quotation if you can see, your room is upstairs later. If you want a massage, I can do it at a budget rate. So there is a story. And it's not a painting. It's yeah. It's a metal frame. So, they everywhere where you will find the paintings or if anything like this. So uska matlab ye hai ki yahan ki koi na koi ek story hai har ek is cheez ke piche. So, different हो सकती है हर एक जगह की हमने ज़्यादा पूछा नहीं एक दो लोग कुछ बता रहे थे वो उस टाइम पे स्किप हुआ बट हर एक चीज़ के पीछे स्टोरी है इनकी सो नाउ इट्स टाइम हम लोग थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं एरिया में और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं सी ऑफ होटल buy this road because I need to buy sunscreen. Renu wants to buy a sunscreen because she is getting tan. Yaar yahan par weather acha hai, thoda humid hai obviously kyunki samundar hai saath mein. But sweating bahut zyada hoti hai, aapko pani peete rehna padega. Aur hum log subah se 4-5 liter pani pee chuke hain. Aur abhi sunscreen leni hai humko. Yahan ko humare ko serum dhoondne mein 4-5 din lag gaye hame inko pata hi nahi tha ki hair serum kya hota hai jo hum India mein Levon use karte hain. Yahan par kuch डिफरेंट नाम था उसका सनसिल्क की कंपनी का था सो वो हमने लिया अभी सनस्क्रीन हमारे को चाहिए क्योंकि कल हम बीच पे जाने वाले हैं तो ऑलरेडी इतने टैन हो चुके हैं कि कल और ज़्यादा नहीं होना चाहता यस साइल तो बिल्कुल नहीं होना चाहता टैन तो बिल्कुल भी नहीं सो अभी सनस्क्रीन लेते हैं सो देखते हैं कहाँ मिल जाएगा 7-Eleven में 7-Eleven में देखा था आपने कहाँ पे देखा था कल तो 7-Eleven में ही देखा था इस रोड पे कोई है सुपर मार्केट And it looks so nice. Go ahead, take a picture. It's looking like painting, but it's not painting. It's framed. यार सबसे बड़ी बुरी बात पता है क्या होती है? अपनी तो फोटो खिंचवा लेते हैं. जब दूसरे की खींचने की बारी आती है, तो भाई साहब कहते हैं नहीं, खिंचवानी नहीं है. चल आगे और So, शुक्र है मेरी फोटो भी खींची इसने कोई उम्मीद तो लग नहीं रही थी लेट्स सी कैसी खींची है यार चलते हैं आगे सनस्क्रीन लेने के लिए क्यूटी पाई था छोटा सा चलो पहुंच जाते हैं यार रोड्स तो सारे के सारे ऐसे ही हैं अब 11 नंबर की बस ली है बाइक वापस करके तो पद यात्रा करेंगे के साइकिल स्टैंड्स है तो यहाँ पे सेल्फ टिकटिंग वाला ऑप्शन है साइकिल्स लगे हुई है लॉक पे दीज आर द पेइंग काउंटर्स टू चूज फ्रॉम हियर फॉर द टाइम मींस आपको किस टाइम से लेके कब तक आपको लेना है आप यहाँ काउंटर से चूज कर सकते हो तो आप देख सकते हो ब्यूटीफुल साइकिल्स ना कलरफुल सो यू कैन चूज योर
duration, like for 1 day, 2 days, and accordingly you can select the money option. आप यहाँ pay करके आप यहाँ से token लेंगे and I think that ticket you can scan on this. और यहाँ से ये unlock हो जाएगा, है ना? Yes. It's like that only, na? Yeah. Then you can unlock the cycle and you can use it. And again, you have to scan that ticket and you can place the cycle back to the center. अच्छा है ना? Yeah, very nice. बहुत कहते ना कि एडवांस चीजें हैं यहाँ पे. बाइसाइकिल हमारे यहाँ तो घर पे भी नहीं चलाते. यहाँ पे हर जगह हर गली में इस तरह स्टैंड्स हैं. और इन्होंने कैप्शन क्या रखा है? क्लीन पेनांग, ग्रीन पेनांग, ब्यूटीफुल पेनांग. So I think we also have one more over here. Our driver. But this is candy bird. Candy bird, but it's bad. Yeah, it's bad. It's bad. तो फ्रेंड्स, घूमते घूमते यहाँ पर किसी ने बताया कि टाइम स्क्वायर मॉल बहुत अच्छा है और बहुत फेमस है. सो सनस्क्रीन वहाँ तो मिली नहीं, तो हमने कहा चलो क्यों ना शॉपिंग मॉल के अंदर चलते हैं, वहाँ पे तो ज़्यादा चांसेस हैं मिलने के. सो भी हमने कैब बुक करी है. यहाँ पे मलेशिया में कैब बुक करने के लिए आपको एक चीज़ अच्छी बताना चाहूँगा, मलेशिया में ऊबर भी है बट मोस्ट लोग जो हैं ग्रैब यूज़ करते हैं. ग्रैब GRAB मोबाइल ऐप है. आप अगर कभी इधर ट्रैवल कर रहे हो, आपको इधर से उधर कम्यूट करना है, तो वेरी इकोनॉमिकल कैब सर्विस, और आप ओला उबर की तरह मोबाइल से ही बुक कर सकते हो एंड इट विल बी देयर एट योर डोरस्टेप विद इन फ्यू मिनट्स. हमें इसके बारे में पता चला था मलेशियन एयरलाइंस के, वहाँ पे जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो वहाँ पे अंदर डिस्प्ले में चल रहा था ग्रैब इट. या मलेशियन एयरलाइंस में इसकी एडवर्टाइजमेंट थी. वी हैव इंस्टॉल्ड द ऐप एंड वी आर वेरी हैप्पी. मलेशिया में भी हमें इसकी सर्विस मिली एंड पेनांग में भी मिली. अब देखते हैं लंकावी में ग्रैब की सर्विस अवेलेबल है या नहीं है. एंड टाइम्स स्क्वायर मॉल इज गुड. आपको मैं थोड़ा सा अगर रोड्स दिखाऊं तो टाइम्स स्क्वायर मॉल पहुंच चुके हैं. यार ये बहुत ही अमेजिंग मॉल है, देखने में तो लग रहा था बड़ा फुदूस है, देखो पीछे. सो चलो अंदर चलते हैं. I know I'm holding on to this, holding on. How much for this? Zara Forever 21 H&M more better. Look at the back strip, man. Look. Holding on. I know I'm. Hold. मैं क्या ढूंढ रही थी? सनस्क्रीन लोशन? नो, नो सिक्स सेवन. ब्लैक हेड ट्रिमर. ब्लैक हेड ट्रिमर. या स्टिंग. हाउ? जस्ट वॉश योर फेस. व्हेन योर फेस गेट्स वाटर, टेक आउट, पुट इट आउट. ऑल द फेस, रग इट. आफ्टर 2 मिनट्स, जस्ट वॉश विद द वाटर. यार मॉल तो अच्छा है बट इतना ज़्यादा कुछ नहीं है जो लग रहा था यहाँ पर. मिस्टर बीन, भाई मिस्टर बीन. हेलो मिस्टर बीन, हाउ आर यू डूइंग? हेलो मिस्टर बीन, आई एम वेटिंग फॉर यू. इसके बाद कुछ नहीं दिखना चाहिए, इतना ही दिखना चाहिए. आई विल टेक दिस एंड रन. फाइनली मॉल में मुझे सनस्क्रीन लोशन अभी इतना अच्छा नहीं मिला. मैं ट्राई कर रही थी पर मुझे कुछ और दिखा,
जो कुछ थाई कोरियन इस टाइप के कॉस्मेटिक्स हैं हमारे यहाँ, हम बहुत ज़्यादा एनिमल फ्रेंडली हैं तो हम एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते. आई एम रियली सॉरी, पेटा वाले मुझे पीट देंगे. पर मैंने स्नेल का फॉर्म क्लिंजर लिया है, जो स्नेल के ऊपर का जो शेल होता है शायद उसको स्क्रब का बना के बाद में वो डेड स्किन स्क्रब करने के लिए इन्होंने बनाया है. तो स्टिल यार जिंदा आदमी को तो नहीं मारा वो स्नेल, तो इट्स अ डेड पोर्शन ना सर, स्नेल का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है. सो मैं आई बॉट दिस स्नेल फॉर्म क्लिंजर. So it was in 30 ringgits. And second is blackhead removal mask. This is a charcoal mask. It is also in 30 ringgits. So I bought these two products specially from Thai cosmetics. So ab Renu jo hai sumo ke sath one on one fight karne wali hai. Dekhte hain sumo jeetta hai Renu jeetti hai. Obviously Renu will win. These are the sumos. Holding on to this. Holding on. Don't let me repeat it. Don't let me repeat it. Yes, Army Jay. I'm calling Wallace. Yes, he's my friend. I'm calling my friend Wallace. बहुत अच्छा मॉल बना हुआ यार. But actually में चीजें जो हैं normal वही हैं जैसे अपने इंडिया के मॉल्स होते हैं. बस थोड़े से well maintained हैं और शोर शराबा बहुत कम है. But it's good altogether. यार ये लड़कियों के साथ शॉपिंग करना बहुत मुसीबत का काम है. हर जगह रुक जाती है जूते चप्पल और कॉस्मेटिक की दुकान पे. क्या है 89 टॉप फ्लोर पे है इस मॉल के. और यहाँ पर कुछ मिरर्स वाले ये वॉल बनी हुई है पूरी की पूरी. तो सोचा एक बार आप लोगों को भी दिखाया. कुछ खास इसमें है नहीं. ऐसा लग रहा है कि साहिल का मूड कुछ ऑफ हो गया है मेरी शॉपिंग के बाद. लो यार इसमें क्या है. हाँ अभी खासा है. नो मैंने कुछ नहीं खरीदा, मैंने बस थोड़ा सा कॉस्मेटिक खरीदा है. और जो मैंने ऐसा कॉस्मेटिक खरीदा जो साहिल भी यूज करता है. मैं कुछ नहीं यूज करता हूँ. पता नहीं कहाँ कहाँ चले जा रहे हो. फेस वॉश खरीदा है. और मैंने बस अपने लिए एक चप्पल खरीदी है फुटवेयर जो साहिल को ही कॉम्प्लीमेंट करेगी जब मैं पहन के साहिल के साथ चलूंगी है ना. यस घंटी देन टॉम टॉम. सो हम लोग आके बाहर बैठे हुए हैं यार. कैब बुक करी है ग्रैब की होटल तक. चेंज वेंज करेंगे और उसके बाद फिर डिनर के लिए जाएंगे. और बस कैब बुक करिए. कितने मिनट दिखा रहा है. क्लोज कर दो इसको. पाँच मिनट लगेंगे उसको भी आने में. और तब तक उसका वेट कर रहे हैं इधर. और कुछ यार इधर सारा घूम लिया. मतलब मोस्टली पेनांग हमने पूरा कवर कर लिया है. बस अब कल लंकावी के लिए रेडी करना है अपने आपको. और जाएंगे फटाफट उधर लंकावी. और फेरी राइड बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है यार. कल वो दिखाते हैं आपको सबसे पहले. बस हमने एक ही दिन प्लान किया था पर सेकंड डे रुक के आई थिंक हमने सही डिसीजन लिया है क्योंकि हमने अब पूरा कवर कर लिया पेनांग. होटल पहुंच गए थे टाइम से. पहुंचने के बाद जो है अब जा रहे हैं यार मार्केट के अंदर. वहां बैठते हैं थोड़ी देर किसी कैफे में और कुछ खाएंगे वाएंगे. देखते हैं और क्या क्या है. आज पेनांग कंप्लीट कर लिया है पूरा का पूरा. अब नाउ इज जस्ट टाइम टू रैप अप द थिंग्स फॉर पेनांग. दो दिन बहुत अच्छे निकले पेनांग में. क्यों रेनु. यस पेनांग के हाँ काफी रिलैक्सिंग थे और थोड़ा सा ना काफी फ्री टाइप का था. जैसे हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि यहाँ जाने के लिए हमें ये बस पकड़नी, वहाँ जाने के लिए यही करना, ये नहीं देख पा रहे, वो नहीं देख पा रहे. हम लोगों ने सीधा अपना एक स्कूटर हायर किया और पूरा मतलब अपनी मर्जी से हमने इवन स्ट्रीट्स तक एक्सप्लोर करी है. क्योंकि यहाँ पे मेन देखने को सिटी एंड स्ट्रीट्स है. यहाँ पे कोई ऐसा कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि यहाँ जाके ये देखना है, वहाँ वो देखना है. हर गली हर मतलब मोड़ पे कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है यहाँ पे. तो यहाँ की आर्ट्स जो है गलियों में रोड्स पे तो वो सारा हमने एक्सप्लोर कर लिया है. नाउ गोइंग टू इधर जाने इधर जाने रेस्टोरेंट इधर से भी है पर इधर से भी आ जाएगा. दोनों साइड से आ जाएगा. चलो लेट्स गो फ्रॉम हियर. I have become navigator for Sahil. अरे इसको यार जल्दी रास्ते याद हो रहे हैं मलेशिया के.
यहाँ कहते इधर से जाना है, इधर से जाना है, इधर पहुंच जाएंगे उधर जंगल। सारी गलियां मुझे यहाँ की याद हो गई हैं सारे, कोई नेविगेशन की जरूरत नहीं है। होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, खाना, लिटिल इंडिया, शॉपिंग, हर जगह की गली मुझे याद हो गई है। एंड आई एम ऑल्सो सरप्राइज कि यहाँ पे तो मैं पहली बार आई हूँ, पर मेरे को एक बार जहाँ पे मैं गई हूँ मुझे सारी गलियाँ याद हो गई हैं यहाँ की। चलो गुड, चलो यार चल के कहीं बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे कोई ना बार एंड रेस्टोरेंट का पूरा लाइन है, लाइन से यहाँ बार से रेस्टोरेंट है। और अभी हैप्पी आवर्स चल रहे हैं इनके, इट्स अ वीक डे, सो वीक डे में हैप्पी आवर्स होते हैं 3 to 10। तो हमने सोचा कि रूम पे बैठ के तो डेली खा रहे हैं कहीं ना कहीं इधर उधर, तो ये पूरा लाइवली सा है पूरा स्ट्रीट, सो इट्स अ बार स्ट्रीट। तो हम यहाँ आके थोड़ा अपना एंजॉयमेंट एंड रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं। यस, सो ये एक अमेजिंग जगह है, पीछे अगर आप देख सकते हो तो सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। मेरे इस साइड में भी अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे भी लाइन से रेस्टोरेंट है पूरे के पूरे, और अपोजिट रोड के उधर पीछे भी रेस्टोरेंट है। सो ये अच्छी जगह है एक आपको अच्छा अपना टाइम पास करने के लिए थोड़ा। हम लोगों ने अपना खाना पैक करा लिया एक्चुअली में, क्योंकि अभी हमारे को 10 बज चुका है यार इवनिंग का, और पैकिंग भी करनी है, बहुत सारा सामान अनपैक्ड है अभी। पैकिंग करके सुबह सुबह आई थिंक 7 बजे हमारे को पोर्ट पे पहुंचना है। हालांकि पोर्ट इतना दूर नहीं है हमारे होटल से, बट इसलिए टाइम से ही सब काम करें तो बढ़िया था। हमने सोचा कि दोबारा बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत दूर वॉकिंग पड़ जाता है, 2 किलोमीटर होएगा, एक किलोमीटर के आसपास होएगा। सो इसलिए बस अब हम होटल में जा रहे हैं, जाते ही खाना वाना खा के वी गोना डोज ऑफ, बहुत थक गए आज। सो अब हम आप लोगों को कल फेरी पे मिलेंगे, एंड देन आई विल स्टार्ट अवर जर्नी कि फेरी से पेनांग से लंकावी कैसे पहुँचे, क्या कॉस्ट है, कौन सी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको हम कल बताएंगे। राइट रेनू, सो गुड नाइट फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।